क्या यूपी में मचने वाला है बवाल या होने वाला है ऐलान जंग? उत्तर प्रदेश में योगी राज या गुंडा राज? 14 साल बाद जेल से बाहर आए माफिया ब्रजेश सिंह क्या योगी राज में दिखाएंगे अपने बाहुबल और तीखे तेवर? बाहुबलियों और माफियाओं के आमने सामने आने से क्या सियासत में आ जाएगी सुनामी? जेल से छूटने के बाद क्या आमने सामने होंगे पूर्वांचल के दो जिगरी यार जो बन चुके हैं एक दूसरे के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी? हालांकि ब्रजेश सिंह जेल से बाहर है और मुख्तार जेल में करवटे बदल रहा है। क्या यूपी में मचने वाला है बवाल या छिड़ने वाली है आत्मसम्मान की लड़ाई? माफिया बीकेडी और बाहुबली ब्रजेश सिंह में होगा गैंगवार? क्या योगी सरकार में होगा बाहुबलियों का आमना सामना और फिर होगा ऐलान जंग या फिर होगा गुंडा माफियाओं का राज? पूर्वांचल के बाहुबली ब्रजेश सिंह के जेल से बाहर आते ही मुख्तार अंसारी और प्रशासन के फूलने लगे हाथ पांव। ब्रजेश सिंह की रिहाई पर क्यों नाराज हो गए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ? या फिर ब्रजेश सिंह अपने सम्मान की लड़ाई के लिए करेंगे जंग का ऐलान? क्या जनता के दिल में बना पाएंगे ब्रजेश सिंह अपनी जगह या फिर होगा काल के कपाल पर तांडव? उत्तर प्रदेश में योगी राज या होगा फिर गुंडा राज जब माफिया बीकेडी और पूर्वांचल के बाहुबली ब्रजेश सिंह होंगे आमने सामने तो क्या उत्पन्न हो जाएगा सम्मान बचाने की लड़ाई? क्या सम्मान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में होने वाला है गैंगवार? डॉन की रिहाई जानी दुश्मनों की सामत आई। क्या हाई कोर्ट ने ले लिया गलत फैसला? मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमले और हत्या के साजिश में जेल में थे ब्रजेश सिंह। हमले की पूरी कहानी सुनाएंगे और बताएंगे पूरा सच। दो जिगरी यार क्यों बन गए जानी दुश्मन? साल 2001 तारीख 15 जुलाई समय 12:30। पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ मऊ जा रहा था। मुख्तार का काफिला श्री चट्टी के पास पहुंचा ही था उसी समय सामने से धुआंधार फायरिंग होने लगी और यह गैंग था पूर्वांचल के बाहुबली ब्रजेश सिंह का जो लगातार गोली बरसा रहा था। लेकिन भाग्य ने मुख्तार अंसारी का साथ दिया और मुख्तार के गनर ने उसे नई जिंदगी दे दी। फिर वर्चस्व की लड़ाई की जंग छिड़ गई। दो पूर्वांचल के माफियाओं में ये पूर्वांचल के लिए कोई नया अध्याय नहीं था। न जाने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कितने रक्तांचल के अध्याय लिखे जा चुके थे। जंग लगातार छिड़ रही मानो कि महाभारत छिड़ा हो सिर्फ पूर्वांचल का सबसे बड़ा बाहुबली या माफिया बनने के लिए। रक्त बहता रहा सिर्फ डॉन बनने के लिए। मौतें होती रहीं पूर्वांचल का सिकंदर बनने के लिए। पूर्वांचल में रक्तांचल होता रहा। जिगरी याराना पल भर में ही साल 1991 में वाराणसी के पिंडारा से के विधायक रहे अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी की गैंग का नाम सामने उजागर हुआ। कहा यह भी जाता है कि ब्रजेश सिंह ने मुख्तार को अवधेश राय से दूर रहने को भी कहा था। फिर अवधेश राय की हत्याकांड के बाद दोनों के बीच जानी दुश्मनी की झंकार उठी और दोनों बन गए जानी दुश्मन।